एज सच पाकिस्तान अगर कंपैरिजन आप करें इंडिया से तो उसका तो कंपैरिजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और पाकिस्तान की तो कोई उसके मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो आप किसी बाहर की दुनिया में जाएं तो आप किसी से भी जिक्र करें तो वो एशिया को जानते हैं इंडिया के हवाले से, या वो एशियंस को कहते हैं कि अच्छा आर यू फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान को तो वो जानते ही नहीं है। अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया का लाइक कंपैरिजन करें तो वो साथ लाइक बनता नहीं है। इंडिया इतना आगे चला गया है, इतनी सारी उन्होंने चीज़ें निकाल ली हैं। तो इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि उसने कुछ सालों में बहुत तरक्की की है, कि इंडिया की फीमेल जो हैं वो कतार दर कतार सामने आती जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रही हैं। क्या वजूहत हैं इसके पीछे? इंडिया में ये है कि वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेडीज़ को आगे आने के लिए वो जिस भी फील्ड्स में आना चाहती हैं। वहाँ के जो मर्द हजरात भी हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग हैं, वो सब उनका इस चीज़ में साथ देते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें और उनके उनका जो मुल्क है वो तरक्की करे। यार बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसरो नहीं इंडिया ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। कोविड के बावजूद जैसे कि आपने कहा तो उन्होंने जिस तरह से कोविड को संभाला है मेरे ख्याल से इट्सेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। और दूसरी बात ये इसरो एक यार अब इसरो अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो ये है स्पार्को तो इसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है कि स्पार्को है क्या। स्पार्को की कोई अचीवमेंट ही नहीं है, अगर कोई कुछ है भी तो वो चाइना के साथ मिलकर है, इट्सेल्फ इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इसरो का और पाकिस्तान का वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बड़ा पॉजिटिव है, पहले भी हम लोग देख रहे थे इंडिया के अंदर बड़ी चीज़ें रिवाइवल कर रही हैं। अब गूगल को देख लें, गूगल की जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वो इंडिया के लोग उठकर बैठ गए हैं वहाँ पर। मेजरली अगर हम देखें जो आपकी मेजर यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज हैं, स्पेसएक्स हो गया, गूगल हो गया, आपकी जो सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे मेजरली दीज आर इंडियंस। इवन अगर मैं अडोबी की बात करूँ तो उसकी भी फाउंडर्स इंडियंस इंक्लूडेड है उसमें। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो उसने ना सिर्फ अपने आईटी में जो है ना इंक्रीज किया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एमएनसी कंपनी है उनके सीईओ जो है ना वो आल्सो बिलोंग्स टू इंडिया। जैसे आप गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना वो आईटी में जो है ना वो आगे निकल गए। अप्रिशिएट करना चाहिए, वेल डन भारत, उनमें टेक्निकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी बेहतरीन है, तो मैं आप उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। जी ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब $10 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया की तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हमने अगर वार करनी है तो हम उनसे आईटी से कंपेयर करें, हम इंटरनेशनल बिजनेस से करें, हम एजुकेशन से करें, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है ना जी, उनको सुबह उठते हैं तो उनको होता है कि पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस क्या करना है। लाहौर में मैंने देखा लोग उठते हैं तो बोलते हैं खाना क्या है। देखिए वहाँ पे एक आपको जो है ना 5th और 7th स्किल जो स्टैंडर्ड का बच्चा है वो हमारे इक्वल टू वो मास्टर डिग्री है। अभी हमारे यहाँ पे मास्टर लोग करके जाते हैं तो वहाँ पे इतना अचीव नहीं कर सकते जितना वो एक वो 7th और 6th स्टैंडर्ड का बच्चा कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ की अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की भी, तो एजुकेशन में ऐसा है कि वहाँ पे आपको कोई रेगुलर रटा सिस्टम वगैरह कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, हार्डकोर सिनेरियो वहाँ पे है। ठीक है, हार्डकोर परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको डिग्रीज इशू की जाती है और आपको जो बताया जा रहा होता है कि आप अपना बेंचमार्क सेट कर रहे हो गूगल का, नॉट इवन इंडिया। ठीक है, आपका गोल इतना बड़ा, ठीक है, तो फिर आप इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते पॉसिबल हमारा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और गवर्नमेंट, मेरा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट ही उन लोगों पे करती है, ठीक है, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है। आई थिंक दीज पीपल आर डूइंग रियली वेल। और इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, उनकी आईटी और मेडिकल और बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान से ज़्यादा थोड़ी अच्छी हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, उनका जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वर्थ भी बन चुकी है, ये सिर्फ उन्होंने अपनी स्ट्रगल से किया है। ये है कि इंडिया में एक बिल पास हुआ है जिसके मुताबिक लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये बेहतर है? या ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ हैं वो उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और इस वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती। ये अच्छी बात है कि 21 की एज में उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें और ख़ुद एक स्टेटस पे खड़ी हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। से इंडिया वालों ने सही किया है, 21 साल की एज में बैचलर भी लड़की का हो जाता है और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाती है और मैच्योर भी हो जाती है, तो इस मामले में उसको घरदारी थोड़ी आ जाती है तो कर देनी चाहिए। सही किया उन्होंने, तो बेहतर काम है। या ये बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ पर तो 16 साल है शादी की उम्र, तो उसके हवाले से आप क्या कहें? ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत गलत बात की जाती है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती, तो मैं यही कहूँगी कि ये गलत है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये बताओ आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर आवाम तो यही मानती है, पाकिस्तानी तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? आई डोंट थिंक सो।
वो बहुत अच्छा कंट्री है, पोलाइट है, मतलब वो बहुत फ्रेंडली है. अगर आप उससे दोस्ती करोगे ना तो वो वेरी, वहाँ के स्वीट पीपल है, वेरी वेरी स्वीट, दे आर नॉट हार्श. आई लव इंडियन पीपल.